थैंक यू संस्कृति। अच्छा देखो, माना कि ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है और बेटा इस इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक है हमारे पास। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि इसका वेट कहाँ लाया करेगा, डाउनवर्ड्स mg। नॉर्मल रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑन विच द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, सो योर बॉडी इज लाइंग ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन, तो इसके परपेंडिकुलर मुझे मिला नॉर्मल रिएक्शन आर। ठीक है, अब मैं अगर mg को रिजॉल्व करूं तो एक कंपोनेंट mg का ये और एक कंपोनेंट ये, और ये वाला एंगल थीटा ही होगा। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी, तो होपफुली ये बात सबको क्लियर है कि ये एंगल थीटा है। ठीक है, यस सर, यस। ओके, सो दिस विल बी mg साइन थीटा एंड दिस विल बी mg कॉस थीटा। तो ये तो कन्वर्जन्स क्लियर हो गए, नो सॉरी रेजोल्यूशन क्लियर हो गया यहां से। ठीक है, हाँ जी सर, मान यस ले, सर। मान ले कि ये वाला ब्लॉक एक स्प्रिंग के साथ अटैच है और ये हमारा पुली है और इससे यहां पर एक और ब्लॉक अटैच है। लेट्स से कि इसका मास है कुछ कैपिटल एम। ठीक है, अब बेटा ये ब्लॉक अगर इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है mg, और मैं ये कहूं कि ये ब्लॉक वर्टिकली डाउनवर्ड ही मूव कर रहा है, तो ये ब्लॉक मूव करेगा इस डायरेक्शन में विद द सर्टेन एक्सेलरेशन ए, क्योंकि ये यस सर, दोनों के दोनों स्ट्रिंग्स के एंड्स के साथ देर आर टू ब्लॉक्स अटैच्ड और दोनों ब्लॉक्स एक ही सिस्टम के ऊपर, एक ही पुली के ऊपर हैं और एक ही सिस्टम का पार्ट है, तो होल सिस्टम की एक्सेलरेशन विल रिमेन द सेम। तो जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ जाएगा। नाउ वी आर नॉट कंसिडरिंग द फ्रिक्शन हेयर। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे यहां पर इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन इस तरफ दिखाई देगी और इसमें टेंशन इस तरफ होनी चाहिए। मैंने लास्ट टाइम बोला था टेंशन हमेशा बॉडी से अवे जाती है ना। यस सर, ठीक है, तो अब बेटा सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ठीक, तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट रीजन का, तो टेंशन ये mg साइन थीटा इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, तो इसका मतलब टेंशन बड़ा हो गया mg साइन थीटा से, तो t माइनस mg साइन थीटा विल बी इक्वल टू ma। ठीक है, ठीक है बेटा, पहली इक्वेशन। सर ये वाइल्ड लाइन लास्ट वाली यस, भाई रिपीट कर दो प्लीज। टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन इस तरफ, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इधर तभी जाएगा जब ये वाली फोर्स अनबैलेंस हो जाएगी, यस सर, ये फोर्स बड़ा हो जाएगा तभी बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी ना। तो टी हाँ बड़ा जी है सर, एमवी साइन थीटा से, तो फोर्स माइनस फोर्स इज इक्वल टू अ फोर्स। यस सर, ओके। अब रीजन टू ले लो, रीजन टू का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो mg नीचे टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे आ रही है, यानी बेटा mg माइनस t इज इक्वल टू ma। दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन। यस सर, तो दो इक्वेशंस बन गई, दोनों इक्वेशंस इस पर्टिकुलर सिस्टम में, दोनों को इक्वेशंस को बनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? सना क्लियर है बेटा? यस सर,
Mishti, Sanskriti. Yes, sir. Clear hai? Yes, sir, clear hai. Vansh. Shaurya, clear beta? Yes, sir. Lakshya. Yes, sir. Athar. Daksh or Anubhav, dono ko clear hai? Clear hai, sir. Yes, sir, clear hai. Yes, sir. ओके अब बात करते हैं. अब आपको इनमें से जो भी कुछ निकालना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट ए तो दोनों को यूज कर लेना इक्वेशंस को, इफ यू वांट टू कैलकुलेट टी तो भी दोनों को आप यूज कर सकते हो. अब देयर इज अ स्लाइट चेंज इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम, और वो स्लाइट चेंज क्या है, ठीक है, इसको रब कर दो. यस सर. यस सर. अरे एक सेकेंड. कर दूं? Yes, sir. Thank you, sir. अब मान लो कि एकदम ऐसा ना हो के ऐसा होता. ये एंगल थीटा था तो लेट्स से ये एंगल फाई होता है यहां पे. अब क्या करते, अब मुझे फिर से इसको रिजॉल्व करना पड़ता, ठीक है. देखो जरा, mg डाउनवर्ड्स, कैपिटल mg है ना. नॉर्मल रिएक्शन ये रहा. अब आप फिर से mg को अगर यहां पर रिजॉल्व करो तो एक कंपोनेंट तो ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा. मान लिया कि सिस्टम नीचे की तरफ जा रहा है, यही एक्सेलरेशन थी तो इधर इस तरफ हो, तो ये एंगल फाई, तो दिस विल बी एंगल फाई. तो ये हो जाएगा बेटा आपका एम जी साइन फाई, दिस विल बी एम जी कॉस फाई, ठीक है. यस सर. तो अब दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लो. पहले का फ्री बॉडी डायग्राम तो अभी हमने बनाया ही था, तो उसकी इक्वेशन आ गई थी हमारे पास, t माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए. अब यहां देखो आपका एम जी साइन फाइव बड़ा है टेंशन से, तो mg sin phi will minus of t will be equal to ma हो जाएगा. Yes sir. तो ये तो था आपका fbd 2, और fbd कैसे बना था इसका, ये बना था, ये t, ये mg sin phi और ये एक्सेलरेशन, इसका हमने पहले बनाया ही था, ठीक है. FBT 1 था ये. अब दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, ये 1 ये 2, तो आपका आंसर क्या बनेगा. अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो बेटा m प्लस स्मॉल m इनटू a विल बी इक्वल टू, ये माइनस में है ये प्लस में है, so this will be mg sin phi minus of mg sin theta, ठीक है. so acceleration will be equal to g m sin phi minus m sin theta upon m plus capital M. निकल जाएगी acceleration. yes sir. कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ जी सर. हर बार आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए
क्या क्या करना पड़ेगा, पहले रिजोल्यूशन करो रे डायग्राम, सॉरी रे डायग्राम कह रहा हूँ, आपका जो मैकेनिकल डायग्राम है, फोर्स डायग्राम है, वो बिल्कुल क्लियर बनाओ, सारी फोर्सेस को रिजोल्व करो, एंड ओनली आफ्टर दैट एफबीडी बना के इक्वेशन बनाओ, ठीक है? यस सर। सर हाँ सर, जैसे इसका साइन थीटा से रिलेशन है, वैसे इसका कोई कॉस थीटा से भी रिलेशन है, मतलब कॉस थीटा से भी कोई इक्वेशन बने? देखो बेटा, कॉस थीटा से ऐसे तो रिलेशन बन नहीं सकता, बट इफ यू वांट टू रिजॉल्व आर, आप कहो कि भाई मेरे को तो आर को ही रिजॉल्व करना है, ठीक है, तो फिर आप आर को रिजॉल्व करोगे, उस केस में फिर आर के साथ बनेगा जो भी कोई रिलेशन बनेगा, बट जरूरत है नहीं, कॉस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर आपका नॉर्मल रिएक्शन, अब दो बॉडीज हैं, डिफरेंट बॉडीज हैं, अगर मैं इसको आर वन मान लूं और इसको आर टू मान लूं, तो रिलेशन ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि आपका आर वन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, आर टू इक्वल टू एम जी साइन फाइ। बट जब हम फ्रिक्शन की बात करेंगे तब नॉर्मल रिएक्शन काउंट होगा, ठीक है? अभी तो हम विदाउट फ्रिक्शन बात करते हैं, जब हम फ्रिक्शन करेंगे तो इसी वाले केस को हमें दोबारा से करना पड़ेगा, वहां पर कॉस काउंट हो जाता है। यस सर। सर फिर नॉर्मल रिएक्शन पे करने रिजॉल्व करने का वैसे भी फायदा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर इंक्लाइन प्लेन से हम नहीं करते। बिल्कुल, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लाइन प्लेन के 90 डिग्री पर है। हाँ सर। यस सर। आप उसको फिर इस पर्टिकुलर सरफेस के रिस्पेक्ट में रिजॉल्व कर सकते हो आर को, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में तो वो है ही 90 पे, कैसे रिजॉल्व करोगे? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा एक बात मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि आपका mg sin phi बड़ा है t से, ठीक है, और मुझे बार बार ये महसूस होता है कि आप लोग शायद इस बात के साथ उतने कंफर्टेबल हो नहीं, बार बार आप पूछते हो कि ये कैसे हुआ, तो उसके लिए एक बात हमेशा याद रखो बेटा, कोई भी बॉडी, एनी बॉडी इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, इन दिस यूनिवर्स इनफैक्ट, कोई भी बॉडी किस तरफ मूव करती है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इस बॉडी के ऊपर लगने वाली सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट कहां है। अब देयर आर ओनली टू सिचुएशंस, या तो इस बॉडी के ऊपर एन नंबर ऑफ फोर्सेस लगेंगी तो उसका रिजल्टेंट जिस तरफ होगा बॉडी उस तरफ जाएगी, या फिर सारी की सारी बॉडीज, सॉरी सारी की सारी फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर लग के नलीफाई हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये बॉडी वहीं रहेगी जहां पे थी। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट अगर हमें एक सर्टेन डायरेक्शन में मिल रहा है तो वेरी क्लियरली वी कैन से दैट देयर इज अ सर्टेन फोर्स व्हिच इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर वो अनबैलेंस्ड ना होती तो वो नलिफाई हो जाती वहां पर, यानी सभी फोर्सेस का सम जीरो हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और बॉडी मूव कर रही है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑलवेज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स। इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, चाहे आप प्लैनेट्स की बात करो, चाहे आप सैटेलाइट्स की बात करो, चाहे आप मीटियर्स की बात करो, एस्टेरॉइड्स की बात करो, किसी भी चीज की बात करो, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इन दिस एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल स्पेस, इफ इट इज मूविंग देन इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स। और अगर सभी फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं तो अल्टीमेटली नेट फोर्स उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर जीरो होगी, ठीक है? ये बात क्लियर है सबको? यस सर। तो हम यहाँ पर ये देख पा रहे थे कि अगर एक्सेलरेशन हमने नीचे की तरफ माना है तो अनबैलेंस फोर्स यही है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। मिटा दूं इसको? यस सर। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। अब एक बात कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है
किसी भी एक पॉइंट पर सभी फोर्सेस का सम जीरो हो जाना, ठीक है। मान लो कि अच्छा इनको हम लोग कॉन्करेंट फोर्सेस भी कहते हैं। कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब एक ही जगह पर एक ही पॉइंट पर एक्ट करने वाली फोर्सेस। मान लो कि एक फोर्स यहां से लगी F1, एक फोर्स यहां से लगी F2, एक फोर्स यहां से लग रही है F3। तो इस बॉडी के ऊपर तीन फोर्सेस लग रही हैं अलग अलग डायरेक्शन से। यस सर, ठीक है। लेट दीज टू फोर्सेस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा, लेट दीज टू आर इंक्लाइंड एट एन एंगल बीटा, एंड दीज टू आर इंक्लाइंड एट एन एंगल गामा, ठीक है। अगर ऐसा हो तो आपको नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे नेट फोर्स, नेट रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, या आपका F2 वेक्टर, या F1 वेक्टर, या F3 वेक्टर, नेट रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? सर F1 और F2 को रिजल्टेंट निकाल के, बिल्कुल ठीक बात है, यानी हम F1 और F2 को क्या कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे उसको, है ना। Yes, sir. ठीक है, अगर मैं F1 और F2 को रिजोल्व करने की कोशिश करूं तो मैं कैसे कर सकता हूं? देखो सर, एक छोटा सा यहां पर कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये मैंने एक रेफरेंस ले लिया और रेफरेंस कुछ इस तरह से कि F3 90 डिग्रीज पर है, ठीक। ओके सर, अगर ये F3 90 पर है, ये रहा 90 पर है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, गामा माइनस 90। यस सर, ये कितना हो गया, बीटा माइनस 90। यस सर, अब जब आप इसका रेजोल्यूशन करोगे तो देखो ध्यान से, ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ जी सर, ये वाला एंगल आपका बीटा माइनस 90 था, तो ये वाला एंगल भी आपका बीटा माइनस 90 होगा, होगा। यस सर, अब yes, एंगल सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, इस मींस ये हो जाएगा आपका F1 साइन बीटा माइनस 90, ये हो जाएगा F1 cos बीटा माइनस 90, यहां पर आ जाएगा F2 cos गामा माइनस 90, और ये हो जाएगा F2 sin गामा माइनस 90, है ना। यस सर, अब ये तीनों फोर्सेस तो परपेंडिकुलर है, मतलब वर्टिकल फोर्सेस है, है ना। यस सर, ये और ये तीनों वर्टिकल है ना। हाँ जी सर, तो इसको आप कैसे सॉल्व करते, आप कहते भाई एफ वर्टिकल हो जाता F1 साइन बीटा माइनस 90 प्लस F2 साइन गामा माइनस 90 प्लस आप कहते F3, बट F3 अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों से, तो आप कहते माइनस F3, ठीक है। ऐसे ही बोलते ना बेटा। यस सर, यस सर। और जब हम F हॉरिजॉन्टल की बात करते तो F हॉरिजॉन्टल तो है ही दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप कहते F1 cos बीटा माइनस 90 माइनस F2 cos गामा माइनस 90, है ना, ऐसे ही होता। सर रिजॉल्व करने में हल्की सी कंफ्यूजन आ रही है। क्या कंफ्यूजन होगी, पहले कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं, बताओ। तो ये रिजॉल्व करने में ही जो आपने एक्सटेंड करके नीचे रिजॉल्व किया एक बार,
थोड़ा सा हाँ, मैं यहाँ पर भी कर सकता था बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर कर लो, क्या फर्क पड़ता है, आप यहाँ कर लो, ये लो। यस बात वही है। यस वो तो मैंने तीनों वर्टिकल फोर्सेस को इकट्ठा लेने के लिए इसको नीचे ले लिया था। ओके सर, बट रिजल्ट तो यही आएगा। यस सर, बट आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ उतना कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, आपको लगेगा कि यार इतना रिजॉल्व करना पड़ रहा है, कोई छोटा तरीका नहीं हो सकता क्या, है ना? Yes. क्योंकि अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो यहाँ पर रिजल्टेंट मिलेगा कैसे, फिर रिजल्टेंट निकालना हो और भी मुश्किल काम है। फिर आप करोगे एफ वर्टिकल का स्क्वायर प्लस एफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, है ना, तभी निकलेगा ना। यस सर, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, इन तीनों को मिला के एक वर्टिकल वेक्टर बनेगा, इन दोनों को मिला के एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर बनेगा, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेक्टर्स कितने पर होंगे एक दूसरे के साथ, 90 डिग्रीज पर होंगे ना। सर दोनों का फाइनल वर्टिकल फाइनल फोर्स वर्टिकल में और फाइनल फोर्स हॉरिजॉन्टल में। हाँ मैंने बेटा ऐसा कुछ नहीं बोला जिसकी वजह से ऐसी खामोशी छा गई, मैंने बोला कि अगर हम सभी फोर्सेस को एक ही जगह पर इकट्ठा कर लें तो जो नेट एफ हॉरिजॉन्टल है इट विल ऑलवेज बी हॉरिजॉन्टल, है ना। यस सर, भाई ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जो उनसी बड़ी होगी उस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फोर्स मिल जाएगी, है ना सर, बड़ी इन द सेंस। मैंने क्या बोला था, बॉडी हमेशा कहां जाती है, अनबैलेंस्ड फोर्स की तरफ। अब इनमें से जो फोर्स बड़ा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, वेक्टर उसी तरफ जाएगा। यस सर, बेटा ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी लिख सकता हूँ या बी माइनस ए लिख सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन के दोनों में से बड़ा कौन सा था, तो मैंने इसको ए माइनस बी लिख दिया। यहाँ क्या दिक्कत है कोई दिक्कत? नो सर, यही बात हो गई दोनों के लिए। अब ये तीनों वर्टिकल थी, अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड में बड़ी है तो वर्टिकल फोर्स नीचे ही जाएगी, अगर अकेला F3 इन दोनों के सम से बड़ा है तो वर्टिकल फोर्स ऊपर चली जाएगी। बट इन एनी केस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। हाँ जी सर, यस सर। और फिर जब आपको रिजल्टेंट निकालना होगा तो ये आपका रिजल्टेंट आया, यानी इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को सॉल्व करना इतना मुश्किल काम है, और अगर हम इसको करने लगे तो पेपर में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इसका ना शॉर्टकट बना लेते हैं, इसको रब कर दूं यहां से। एक मिनट अच्छा चलो मत करो, इसको यहां से कर बस, इतना पार्ट मेरे को बोर्ड का सफिशिएंट है। देखें आपके पास कॉन्करेंट फोर्सेस, F1, F2, F3, लेट्स से ये एंगल आपका अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग इट, अगर सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है आपके पास जहां आपके पास तीन या चार फोर्सेस एक ही पॉइंट के ऊपर अलाइन कर रही हो, यानी एक ही पॉइंट को पॉइंट के ऊपर प्रोजेक्शन हो उनका, तो यहां अप्लाई कर देना लैमीज थ्योरम, ठीक है। क्या अप्लाई करेंगे, लैमीज थ्योरम, और लैमीज थ्योरम ये कहती है F1, फोर्स F1 के सामने एंगल कौन सा है, गामा। F1 के सामने कौन सा एंगल है, गामा, है ना।
So this will be F1 upon sine gamma equal to F2 upon sine beta equal to F3 upon sine alpha. This is the final solution. You can apply this directly, even in your subjective exam. ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. आप ऑब्जेक्टिव में तो कर ही सकते हो, बट सब्जेक्टिव में भी लैमीज़ थ्योरम को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो इन केस ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस. ठीक है बेटा? हाँ जी सर. Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? सना क्लियर है? Yes, sir. संस्कृति समझ आ गया बेटा? Yes, sir. Sir? हाँ बेटा बोलो. जब सर तीनों फोर्सेस जब एक साथ कोलाइड करेंगे एक साथ, तब वो जीरो कहलाएंगे, तब उनका कोलिजन जीरो. तीनों फोर्सेस का इफेक्ट देखो, नॉट नेसेसरीली यहाँ तीन ही फोर्सेस. एग्जैक्टली, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटीज का सम. तो यहां पर भी हम इस पॉइंट के ऊपर इन तीनों फोर्सेस का सम देखने की कोशिश कर रहे हैं. बट इफ आउट ऑफ दीज सिक्स थिंग्स, छह चीजें हैं यहां पर, कौन कौन सा? तीन फोर्सेस हैं और तीन एंगल्स हैं. आउट ऑफ दीज सिक्स थिंग्स इफ वी हैव वन और टू अननोन क्वांटिटीज, सो दोज अननोन क्वांटिटीज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस इनफैक्ट मोर इलैबोरेटेड फॉर्म ऑफ अ वे टू कैलकुलेट डिफरेंट थिंग्स, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर निकाल लो. ठीक है, सही वाला फॉर्मूला मतलब अगर क्लास में नहीं करें और एग्जाम में कर लें तो फिर कुछ होगा? बेधड़क करना सर, कुछ नहीं होगा, नंबर मिलेंगे. ओके, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा. ठीक है, टाइम बचेगा और कम कैलकुलेशन करनी होगी तो गलती होने के चांसेस कम है. यहां देखो गलती होने के चांसेस कितने थे, एंगल लेते हुए गलती हो सकती है, रेजोल्यूशन लिखते हुए गलती हो सकती है, उसके बाद कॉस बीटा माइनस 90 यानी कि ट्रांजिशन कॉस का साइन में और साइन का कॉस में करके एंगल निकालते हुए गलती हो सकती है ना? यस सर. इसमें सर इसके अरेंजमेंट कैसे हुई, मतलब कि F1 by sin alpha sin gamma? अब ये होता है साइन लॉज होते हैं बेसिकली. ठीक है, हमने यहाँ पर साइन लॉज अप्लाई करके ये रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की. ठीक है, ओके सर. सर इसे नेट कैसे, नेट फोर्स कैसे निकल रही बेटा? आवाज आ रही है? यस सर. बेटा आप सुन पा रहे हो मुझे? यस सर. यस सर. बेटा आवाज आ रही है? यस सर. हाँ कुछ ना नेटवर्क की दिक्कत हो रही है, मेरे फोन में आ रहा था लिखा हुआ अनस्टेबल, तो शायद उस वजह से प्रॉब्लम. अच्छा तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? सर इससे नेट फोर्स कैसे निकलेगी? नेट फोर्स कैसे बेटा? एक फोर्स जो अननोन वैल्यूज होती है वो निकालनी होती है. नेट फोर्स निकालने के लिए तो फिर आपको रिजल्टेंट का सहारा लेना ही होगा. ठीक है, फिर तो वही मेथड. फिर रिजल्टेंट अगर आपको चाहिए नेट रिजल्टेंट, तो फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही है और कोई तरीका. ओके सर.
ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद जो नया टॉपिक हमें स्टार्ट करना होगा वो होगा फ्रिक्शन। ठीक, मेरी फोन की स्क्रीन फिर से ब्लैंक हो गई। आप लोगों को वीडियो क्लियर है? यस सर। बट मेरे फोन की स्क्रीन ब्लैंक है, दूसरे वाला डिवाइस तो सही चल रहा है। या आज इतना ही रखें? Yes, sir. क्योंकि आई थिंक समथिंग इज नॉट राइट, कुछ प्रॉब्लम है शायद। ओके सर। तो आज ये वाला पार्ट एक बार ही आप खत्म कर लें। ठीक है, तो जितना कराया है इसको एक बार आप गो थ्रू करें, अपने बुक से भी करें, क्वेश्चंस भी करें। मैं भी कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगा, ठीक है? और फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है, लेकिन हाँ नहीं, फ्रिक्शन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अभी, तो हमें वो ब्लॉक्स वाला केस करने हैं। ठीक है, यस। हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स, तो नेक्स्ट टाइम वही स्टार्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स। आज मुझे नहीं लगता कि आगे कंटिन्यू हम कर पाएंगे, क्योंकि मुझे बार बार मेरे फोन में कुछ डिस्टर्बेंस लग रही है। चलो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हाँ बेटा बोलो अनुभव। सर बाय कह रहा था, बाय सर। ओके बाय सर। हाँ बेटा। सर हमारे स्कूल के अंदर सर वो आ रहा है, सर्कुलर मोशन भी आ रहा है सर। पेपर कब है सर हमारा? अभी 14th अराउंड। तो 14th को सर वो आएगा आपका? हाँ, तब तक तो सर्कुलर मोशन भी हो जाएगा बेटा, डोंट वरी। जैसे सर्कुलर मोशन सर करा रहे हैं, समय में तो आ रहा है, स्कूल वाले सर जो करा रहे हैं। कोई इशू नहीं है सर। सर ने वर्टिकल सर्कल भी करा दिया है क्या? नहीं सर, सर ने लास्ट टॉपिक तो सर अभी ओमेगा वगैरह सब कुछ करवाया था उसके अंदर, हो जाएगा। ज्यादा नहीं कराया सर, लेकिन सर ने हाँ मतलब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कराया, वरना सर आगे डिटेल में कराते हैं। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट एन इशू। यस सर। और एक बार वो एरर्स का भी देख लेना सर। हाँ वो मैं बिल्कुल, मेरे को याद है बेटा, मैं आपको टाइम निकाल के बता दूँ। यस सर। सर वो वन श्योर में दोनों को दोनों ले लेंगे सर, दोनों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं। Yes, thank you, sir. Sir, और horse और cart वाली problem भी बता दो। हाँ बेटा, वो भी करा दो। Yes, sir.